It's hard to breathe, but that's alright. Hush. और ऊपर की टॉप्स तो इनके दिख ही नहीं रहे क्योंकि बादल है खतरनाक। कैसे करें क्रॉस, वहाँ ऊपर से करना पड़ेगा नहीं तो। मार्केट बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। निकाल लें सीधा, ऐसे आ जाएगा। तो दोस्तों कल भी इसी होटल में थे, आज भी इसी होटल में हैं क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो आज भी नहीं खुला। कल भी पूरा फंस गए थे हम लैंडस्लाइड में। तो कल करीब 4 बजे तक तो हमने वेट किया कि चलो अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा। 9:30 के फंसे हुए हैं वहाँ पे। वहाँ से जैसे कि यहाँ से हम निकले ही थे, फिर खाया पिया ब्रेकफास्ट करके कल सुबह निकले थे। यहाँ से करीब 500 मीटर भी और नहीं होगा, 500 मीटर करीब लैंडस्लाइड हो गया, पूरे रोड्स ब्लॉक हो गए। तो जेसीबी उसीबी आई तो हमें लगा कि खुल जाएगा, पर वो भी काफ़ी लेट आई, कम से कम 2:30 आई। तो इसीलिए और आज भी खुलने की उम्मीद कम है। वो लोग कह तो रहे हैं कि 1 बजे तक खुल जाएगा, बट यहाँ के जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि वो नहीं खुलेगा। तो अभी फिर अभी दूसरा रूट हम जलोरी पास होता हुआ, यहाँ से रामपुर पीछे पड़ता है 20-25 किलोमीटर, तो रामपुर से 3 किलोमीटर फिर राइट लेके हम जलोली पास वाला जो रूट पड़ता है कुल्लू, वहाँ से फिर मंडी कुल्लू फिर मनाली, हम फिर ये वाला रूट ले रहे हैं हम मनाली, फिर वहाँ से मनाली से हम रोहतांग होते हुए काजा करेंगे। वो पहले हमारा रिटर्न का रूट था, बट अब ये लैंडस्लाइड के चक्कर में हम ऑलरेडी एक दिन वेस्ट कर चुके हैं तो दूसरा नहीं करना चाहते। और आज इस ट्रिप में पहली बार हम सबसे जल्दी निकल रहे हैं, 7 बजे, नहीं तो आज तक कभी निकले ही नहीं हम। मिलते हैं फिर आपको अभी बहुत जल्द। तो दोस्तों सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं हम, ये पिथल करके एक जगह है यहाँ पे की, यहाँ पे। और ये आंटी हमारा ब्रेड आमलेट बना रही है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे, लाइट ही खाना खाएंगे क्योंकि अब आज जो है थोड़ा बाइक ज़्यादा खींचना है, मैक्सिमम बाइक खींचना है आज, आज और कल मैक्सिमम बाइक खींचेंगे। और एक छोटा सा अपडेट ये है कि जो रूट हम ले रहे हैं यहाँ से जलोरी पास वाला रूट ले रहे हैं, और यहाँ पिथल से 6-7 किलोमीटर बाद राइट का रास्ता आएगा, फिर वहाँ से जलोरी पास होते हुए हम फिर कुल्लू फिर मनाली एंड देन फिर कल करेंगे हम रोहतांग एंड देन आगे। तो ये था फिर अभी तक का अपडेट। तो अब देखो आगे क्या होता है, और कुछ होगा तो आपको दिखाएं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे ब्रेकफास्ट पे। रैंडम आता है ये, हो गया भाई अपना ब्रेकफास्ट रेडी, ब्रेड आमलेट खाते हैं फिर निकलते हैं। जय भाई, कितनी मेहनत है, कैसे निकालने में मेहनत हो रही है भाई। अजीब सा लग रहा है, अच्छे से निकाल। अबे क्या कर क्या रहा भाई, ये भाई एप्पल की फिर से पॉलिशिंग वॉलिशिंग। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, वो छोटी साइज़ की, ये उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर यहाँ पे सबसे बड़ी आ रही है। इसमें आप लोगों की वीडियो आएगी। क्या नाम है भैया आपका? मिथिलेश। मिथिलेश बिहार से, यूपी से। बढ़िया, पॉलिशिंग देख लो भाई, उसी में सब पॉलिश हो रही है। तो ये पीछे सारे पैकिंग हो रहे हैं यहाँ पे, वहाँ खाली गार्डन रखे हैं यहाँ पे, ये है भरे हुए बॉक्सेस, यहीं से पूरे इंडिया में सप्लाई होगी। ग्रेडिंग पैकिंग के लिए पधारे। तो दोस्तों वी आर ऑल सेट टू लीव। ये भाई खिलाड़ी बंदा स्टैंड के साथ चलाता है और लेन का टाइम हटाता है। स्टैंड हमेशा हटाया करो भाई लोग, सबसे ज़्यादा रिस्क ही है। अब वैसे उतना रिस्क नहीं है क्योंकि जैसे ये मेरी BS6 है तो इसमें स्टैंड वाला वो है, सेंसर लगा हुआ है कि स्टैंड में जब तक बाइक रहेगी तब तक आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। न्यूट्रल पे स्टार्ट हो जाएगी, पर अब जैसे ही पहला गियर शिफ्ट करोगे बंद हो जाएगी। इससे पहले सिर्फ सुपर बाइक्स में होता था, अब इसमें भी है तो उससे सही रहता। तो रूट यहाँ से ऐसा है कि रामपुर से 25-30 किलोमीटर बाद जलोरी पास होते हुए हमें कुल्लू मनाली
होते हुए फिर मनाली जाना है। और आज का टारगेट है थोड़ा खींचने का, थोड़ा रात को भी अगर चलाने का हुआ तो रात को भी चलाएंगे, क्योंकि रूम वूम की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूम तो कहीं ना कहीं मनाली में मिल ही जाएंगे, बहुत ऑप्शन है मनाली में। भाई हमने पहाड़ चेंज कर लिए हैं यहाँ के, यहाँ की, और अब हम इस वाले पहाड़ के पीछे से वहाँ से होते हुए आए हैं, और सामने जो बड़ा पहाड़ दिख रहा था अब वो क्रॉस करेंगे। आर्मी की बसेस ट्रक्स चलती हुई बड़ी, सब भी वहीं जाके अटक जाएंगे चोरी में, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, लैंडस्लाइड है भैया, और आज भी वही है। और ये देख लो सामने का पहाड़ कितना मस्त है, और ऊपर की टॉप्स तो इनके दिख ही नहीं रहे क्योंकि बादल है। ये देख लो पहाड़ों को बीच में से काट के रोड बनाया गया, अंबाला 294 किलोमीटर। रिटर्न में नहीं था, खड़ी खड़ी इसमें आग लग गई। गड्ढे इधर है ना, रामपुर से आते टाइम बोला था लोगों ने कि बहुत अच्छे रोड है, और देख लो भाई ऐसे रोड है। अब यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं तो रामपुर के बाद अच्छा रोड आएगा, जो कि मस्त रोड है एकदम व्यू के साथ। और अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा इस टाइम पे क्योंकि बहुत आज, तो यहाँ से शायद रोड अच्छे हो चुके हैं, और बारिश भी होने, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। और देख लो भाई कितना मज़ा आता है ऐसी रोडों में, ऐसी रोड हो ना तो अच्छा है, पर ऐसी रोड अपनी किस्मत में है नहीं ज़्यादा टाइम तक, रामपुर के बाद थोड़ा सही आएगा। ये वाला व्यू मस्त है, खतरनाक अमेजिंग व्यू। बादलों के बीच में जो पहाड़ है ना, तो ये आई थिंक रामपुर आने वाला है यहाँ से। तो दोस्तों अभी वापस नाला आने वाला है, छोटा सा, छोटा पागल नाला, नाला जिसमें देखो कि दोनों शॉकर लीक हो चुकी थी, और कल हमने लैंडस्लाइड के टाइम जो वेस्ट था उसको उसी में यूटिलाइज किया, दो चार घंटे इसको शॉकर ठीक कराने में लग गए। डिस्क पैड भी काफ़ी ऑलमोस्ट ख़त्म ही थे, ज़ीरो, तो डिस्क पैड भी चेंज कर दी हमने इसकी, बस अब बढ़िया चल रही है बाइक। और जो जिस नाले से हुआ था वाटर क्रॉसिंग से, उसी वाटर क्रॉसिंग में वापस ये टेस्ट करने जा रहा है। तो ऐसे आपने क्लिप में देखा होगा इसने कैसे कुदाई थी, बिना ब्रेक मारे बिना पैर लगाए स्पीड में गट 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 खत्म। तो है वो छोटा सा मिनी वाटर क्रॉसिंग आ चुका है वो पल, वो टेस्टिंग की घड़ी इसकी शॉकर की, वहाँ से पानी आ रहा है तो वो क्रॉस करना है हमें। देख रहे हो भाई पूरा झरना बना है, रुक जाए एक एक करके जाना। वन क्रॉस। और भाई ये देख लो निकाल ले सीधा ऐसे आ जाएगा, शाबाश बढ़िया, चल चल चल। ये तो ये वाटर क्रॉसिंग हो चुकी है, अब आधे घंटे बाद देखेंगे कि शॉकर का क्या हाल है। वैसे तो बहुत स्मूथ निकली है क्योंकि बढ़िया चला, कोई ट्रैफिक व्रैफिक नहीं, आराम से निकाली हमने,
पूरा कैलकुलेशन बैठाया, फिर जाके निकाली कि हाँ कहाँ से हैंडल क्या करना है। ये मिनी एडवेंचर हो चुका है अपना। तो ये रे हनुमान जी, आते टाइम अच्छे से दिखा नहीं पाया था, तो यहाँ सामने से देखो। सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए, अब दिन अच्छा जाना चाहिए, मनाली पहुँच जाने चाहिए, अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो भाई लोग कुल्लू के लिए यहाँ से निकल गए। ये आनी वाला रास्ता है, आनी 23 किलोमीटर, और आनी के बाद फिर आएगा जलोरी पास। भाई ये देखो रोड, एक नंबर रोड, बहुत ही मस्त। और पानी देखो, पानी का फ्लो बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज है, और ये ऐसे घूमते हुए हम जाएंगे। और ये रोड नदी जो है ये साथ साथ हमारे चलेगी अब कुल्लू, कुल्लू से मनाली तक। और ऐसे ही रोड मिलता रहना तो आराम से हम 4-4.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और सामने पहाड़ एकदम हाइट पे फुल। ऐसे रोडों में चलाने का मजा है, थोड़ी ठंडी 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 हवाएं। ये देखो पूरा यू शेप यहाँ से यहाँ तक, और पूरा बहुत तगड़ा वेव है नीचे से। नहीं ये यहाँ से ऐसे घूम के फिर उस जगह पे जा रहे हैं। और रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो हो चुका है, तो अब थोड़ा रिस्क है तेज़ चलाना। और रोड के बीच में ऐसे ये पत्थर है ना जो सबसे ज़्यादा स्लिप करते हैं बाइक को। जब ऐसे लाइन अप करके चलते हैं ना बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी कभी राइड करो तो साथ में चलना और लाइन अप करते हुए चलना। ये देखो हॉर्न के बोर्ड है ना, हमेशा हॉर्न मारना, इससे क्या होगा आपको आदत अच्छी हो जाएगी ना, तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा ऐसे टर्निंग्स पे, अगर आप ओवर स्पीड में नहीं हो तो। ओवर स्पीड हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, या तो फिर आप ये ऐसे कॉर्नर्स में जो थोड़े बहुत छोटे मोटे पत्थर होते हैं इनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और इतना जंगल है, ये देखो अचानक से हॉर्न मारने से ये होता है कि आगे वाली गाड़ी स्लो हो जाती है और जगह दे देती है, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सामने का पहाड़ देखो, और राइट साइड तो एकदम ही गजब। ये देख रहे हो सामने राइट में, इतना मज़ा आ रहा है ना आँखों को। और ये रोड अभी तक का इस ट्रिप का सबसे टफेस्ट रोड है, क्योंकि देख लो सिर्फ एक कार और बाइक निकल सकती है। अगर ऐसी जगह में फंस जाए तो उनको बैग लेके यहाँ तक आना पड़ेगा, या एक को रुकना पड़ता है, एक को बैग लेना पड़ेगा। कोई यही है पहाड़ों की लाइफ, सिंपल सोबर और मस्त। एडवेंचर फुल है यहाँ पे, फुल एडवेंचर। आपको जितने एडवेंचर चाहिए वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी, बाइक, हिम्मत, सब चीज़ें मैटर करती हैं। कहीं पे भी जा सकते हो, महीने में एक आध ट्रिप तो यहाँ की होनी चाहिए, क्योंकि संडे राइड भी आप दिल्ली में कितने ही कर लोगे। एक ही लोकेशन, मतलब कुछ ही लिमिटेड लोकेशन है, उधर ही जाना, लिमिटेड रोड है, ऑलमोस्ट सेम रोड है, बस डेस्टिनेशन एंड में जाके थोड़ा बहुत 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है। बाकी या तो गुड़गांव या तो DND, बस यही 2-4 रोड हैं बस। अंकल जलोरी पास का रास्ता कौन सा है? जलोरी पास सीधा सीधा कुल्लू वाला यही है ना? जलोरी पास कितना दूर होगा यहाँ से? जलोरी पास यहाँ से 35-40 किलोमीटर। तो भाई ये अन्नी का छोटा सा मार्केट है, और मार्केट बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जलोरी पास है। कांटा लगा के क्यों चला रहे? मेरी गाड़ी ख़राब है क्या? ये पीछे डिस्टेंस लेके चलो इतना ही कह रहा है। ये अजीब सीन है भाई, ये समझ नहीं आया भाई। कोई अब अगर हिमाचल साइड का है यहाँ किसी को पता है तो बताना, ये लॉजिक क्या उसका? अब डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें भाई लोग हम। चलो दोस्तों फिर आप लोगों को मिलते हैं जलोरी पास। फिर देखो भाई
तो ये रहा भाई जलूरी पास, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर। पहाड़ों की हाइट देख रहे हो, पेड़ देखो, एक पत्ता नहीं है पूरे पेड़ में और एकदम सीधा खड़ा है, स्ट्रेट एकदम। सावधान सावधान पोजीशन में, खतरनाक। कैसे करें क्रॉस, वहाँ ऊपर से करना पड़ेगा नहीं तो। तो भाई ये देखो पीछे का व्यू, ये पूरा वाटरफॉल छोटा सा। अब ये अभी क्रॉसिंग करनी है, जो कि अब ये बाइक है, तीनों बाइक क्रॉसिंग करेंगे तो दिखाएंगे आपको। वैसे नॉर्मल क्रॉसिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लोकल लोकल भाई इतने एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा उड़ाते हुए निकाल जाएंगे, कह रहे हैं मेरे लिए तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं ये। यहाँ से पूरा पानी, लोगों को मिलते हैं फिर जीबी वाटरफॉल।